नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस संबलपुर बुर्ला रे पुणी चिंता बढ़ाइला कोरोना भीमसार रो एमबीबीएस प्रथम वर्ष रो 22 वर्ष छात्र छात्री 22 छात्र छात्री कोविड पॉजिटिव सूचना देले भीमसार कॉलेज प्रिंसिपल आगो को संक्रमितों को संख्या आहुरी बढ़िबा संभावना मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री परिषद और कैबिनेट बैठक में जोग नदेबा को निर्देश दियंतु मुख्यमंत्री राज्य सरकार को निकट में दावी कला कांग्रेस मुखपात्र पद्माकर गुरु कहले मंत्री बैठक में जोग देले मुख्यमंत्री को क्षमा देवेनी नारी जाति और राज्यवासी मयूरभंज करंजिया बनखंड में हाथी आतंक जातीय राजपथ सिंगिड़ा निकट में पेट्रोल पंप में पशिला तंता धान फसल खाइबा सह व्यापक क्षयति करलांगीर 18 दादन श्रमिक उद्धार हैदराबाद चलाण बेले श्रमिकों उद्धार कला बंगमुंडा पुलिस उद्धार दादनों मध्य चारि शिशु तारीख ठीक है कार्ड बंटागला किंतु बाहाघर दिन आसलानी बर भावी स्वामी घर आगे नववधू बेशर कन्यार धारणा ब्रह्मपुर ब्रह्मानगर अभिनव प्रतिवाद को नहीं चर्चा आज बदल पाग 26 राज्य में बढ़ शीत रातिर तापमात्रा 5-6 डिग्री ह्रास पाइबा नहीं आंचलिक पापाग विभाग सूचना सेपटे बंगोपसगर आउ एक घूर्णिबल सृष्टि 24 घंटा मध्य नेब लघुचाप रूप संबलपुरी शाढ़ी प्रचार प्रसार पर अभिनव प्रयास संबलपुरी शाढ़ी चित्र सजेई है धनकौड़ा ब्लक कोडोला गां ओडिशा ललित कला एकाडेमी पक्षर भित्ति चित्र शिविर आयोजित पद्मश्री सुदर्शन पट्टनायक प्रचेषार गांव को सजेले चित्रकार और बुणाकार अच्छा संपूर्ण खबर को बुलारे पुणी चिंता बढ़ाइला कोरोना भीमसार एमबीबीएस प्रथम वर्षर 22 छात्र छात्री पॉजिटिव समस्त आक्रांतों को कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करा जाए तबे सबुठ बड़ा कथा है आक्रांतों संख्या आगो को बढ़िबा नहीं संभावना रही एने सूचना देखते भीमसार मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपाल डॉक्टर जयश्री कर राज्य में तृतीय लहर आसवार आशंका भितर एवं पॉजिटिव संख्या कमिबा परे स्कूल कॉलेज खोला रहिला बाबत अधिक सूचना पाई आम सहित बुर्लार आम प्रतिनिधि ज्योति नंद जोड़ी रही ज्योति एका सांगे 22 छात्र छात्री पॉजिटिव चिन्हट होगा कौटना कौटे चिंताजनक विषय देखो माधुरी बर्तमान बुर्ला भीमसार जो 22 जन छात्र छात्री मध्य जो कोरोना पॉजिट चिन्हट नहीं कि बर्तमान कर्तृपक्ष मुंडर बर्तमान चिंता विषय गारी रही बड़ विषय यह हूँ कि जो 22 जन छात्र छात्री निहाती टेस्ट कलापुर जना पड़ा ता सहित जो मैंने आसते मिलामेश टेस्ट कर आगामी दिन में आधिक कोरोना पॉजिट चिन्हट संभावना रही है मो सहित मैंने पूर्व जो थे छात्र जो अच्छा आज सर्जन जो सभापति अच्छा सहित सीधा साल आलोचना करी कि बर्तमान बुर्लार परिस्थित भीमसार जो छात्र छात्री मध्य जो कोरोना पॉजिट चिन्हट बर्तमान परिस्थिति केमी अच्छे परिस्थिति ठीक ठाक अच्छी मानने काली रात 20 जन आ पूर्व दिन आम 15-20 जन खंड पॉजिटिव बाहर थे सर्वमात्र आम 40-45 जन एवं पॉजिटिव बाहर ले तो आम चेस्टा कर कंट्रोल करूँ पिला पिला आइसोलेसन पठेक आमती जिनस मैनेज कर मैंने बर्तमान सुधा 40-45 जन छात्र छात्री कोरोना पॉजिटिव चिन्ह होती आज्ञा रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट 40-45 जन पॉजिटिव तो बर्तमान देखो जो किसी कार्यक्रम होता पूर्व जो फल कोरोना संभावना देखा दी से भाव में देखले आम कि दिन तले आम गोटे फंक्शन होता तो से फंक्शन होती आशा करद फंक्शन भी नई एबका टाइम बहुत ही इम्यूनो कंप्रोमाइज पेसेंट जो वीक पेसेंट आम आसुच्च वार्ड को आमर वार्ड ड्यूटी चलिए संस्पर्श आसुच्ची से कौ जन को भी कोविड पॉजिटिव होती है जेहतु गोटे हस्टेल रोचान तो सीटा समस्त भावना स्वाभाविक ना परिचय देते बर्तमान मुझे हाउस सर्जन अच्छी हाउस सर्जन प्रेसिडेंट अच्छी डॉक्टर सूरज कुमार जनपाट तो आम डेली पेसेंट सहित इंटराक्ट कर वार्ड में देखु किए आस कौन ना तो एबका टाइम बहुत जन कोविड पॉजिटिव पेसेंट भी आसुच्च
देखुले माधुरी आउ एक बड़ खबर जो सामना आसुची जे आमे 22 जन कहले किंतु बर्तमान जहाँ सूचना मिलछे तो जहाँ पूर्वरु बा गत काली मिसिकी 40 रु 45 जन मध्य कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइतबा जहाँ सूचना मिलछे कि ता एक बड़ विषय आउ जो छात्र छात्री बा जो मानक सदस्य माने मिलामिसा करतले बा जो दुकान बजार जाइले निहाती दुकान बजार जाइबे निहाती कौन से होटल खाइबा जाइबे सेठी मध्य कोरोना हवा संभावना रही जहाँ फल बुर्ला सहर एक मानते देखा कि कोरोनार घेर रही आम से नहीं बर्तमान मेडिकल कर्तृपक्ष सरकार गुरुत्वपूर्ण बैठक रखा कथा आवश्यक रही सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी आवश्यकता रही गोटे दिन में पाखापाखी 22 जन पुणी ता पूर्व दिन मोट वर्तमान सुधा 40 रु 45 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट हेले और आगक संक्रमित संख्या बढ़ेबार आशंका देखा देउछि। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति नंद आम रिपोर्टर आम सहित जोड़ रही थे। परवर्त खबर को विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन पूर्व आज बसब राज्य मंत्री परिषद और कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षतार बसवाक बैठक में आगामी विधानसभा आसपाक अतिरिक्त बजेट मोहर बाजि आज अपराह 5:45 मिनिट्रे राज्य मंत्री परिषद बैठक अनुषित हो 2021-22 शीतकालीन अधिवेशन अतिरिक्त चिट्ठा मंजूरी उपर आलोचना हो आसंता डिसेंबर पहिलारु आरंभ होउछि विधानसभा शीत अधिवेशन अधिवेशन प्रथम दिन में अतिरिक्त बजेट उपस्थापन करा कैबिनेट बैठक बसिब विभिन्न प्रकार गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपर कैबिनेट रे मोहर लागि पारे। मंत्री प्रताप जेना और दिव्य शंकर को राज्य मंत्री परिषद एवं कैबिनेट बैठक में जोग न देबा को मुख्यमंत्री निर्देश दियंतु एभली किछे दाबी करिछि कांग्रेस। जदि एही दुई मंत्री मंत्री परिषद आउ कैबिनेट रे जोग दियंते तबे मुख्यमंत्री जानी सुनी दागी आउ कलंकित मंत्री को निरंतर आउ निरंकुश समर्थन दे अपराधी को सुरक्षा देउछंती बोली स्पष्ट प्रमाणित हेब। नारी जाति आउ राज्यवासी मुख्यमंत्री को आदो क्षमा देबे नाही बेळो थाउ थाउ जदि हेळा करंती तबे तांको डंका बुडीबा थय यह प्रकृतिर नियम निजे भर्चुआल जोग दियंतु पछे निजर भावमूर्ति को मलिन आउ न करंतु निष्पत्ति निजे नियंतु आउ भावमूर्ति को निजे सुरक्षा दियंतु। दुई जन दागी आउ अपराधी लगे 4.5 कोटी लोकों को दुखी करंतु नहीं बोली कांग्रेस मुखपात्र पद्माकर गुरु गणमाध्यम को अवगत कराइछन्ते। तो मंत्री प्रताप जेना और दिव्य शंकर मिश्र को नहीं सारा राज्य हुलस्थुल थे वर्तमान राज्य मंत्री परिषद और कैबिनेट बैठक में जोग न देबाको मुख्यमंत्री निर्देश दियंतु बोली कहिसंती कांग्रेस मुखपात्र। अधिक आलोचना करिबा आम सहित सीधासख कांग्रेस मुखपात्र पद्माकर गुरु आम सहित जोड़ी रही श्रीयुक्त गुरु आपको स्वागत करुच्छे आलोचना को सारा राज्य देखी मंत्री प्रताप जेना आउ दिव्य शंकर मिश्र को किभली घट घड़ा जाउछि आउ वर्तमान आपण जे उत्यक्ति रखिले ताहा केते फलप्रद हेबो। देखंतु ये नीति नैतिकतार कथा जेतबेला आमे राजनीति करूछंती शासन व्यवस्था रे मुख्यमंत्री रहूछंती मंत्री माने रहूछंती सेतिके बेले सेमानंकर नीति नैतिकता प्रतिबद्धता राज्यवासी पाखरे जवाबदेही उत्तरदायित्व होउछंती मंत्री परिषद रो। आज जेतबेला कैबिनेट बसुछि मंत्री परिषद रो बैठक बसुछि संध्या समय रे मुख्यमंत्री वर्चुअल रे जोग देबे बोली आमे टीवी रु गणमाध्यम रु देखुचु सेतिक बेले मुख्यमंत्री को विशेष अनुरोध करा जाउछि यहा मध्य मुख्यमंत्री को नैतिक कर्तव्य जे कि जो माने दागी जो माने अभियुक्त जो माने अपराध रे संपृक्त अछन्थि जो दुई मंत्री आईन मंत्री प्रताप षडंगी प्रताप जेना एवं आपणंकर दिव्य शंकर मिश्र गृह राज्य मंत्री तांकू मुख्यमंत्री मंत्री परिषद रे न बसंतु एवं कैबिनेट बैठक रे सेमानंकु जोग दवा पई बारण करंतु ए आमर दाबी रहुचि कारण एते घंटो घोडैबा मुख्यमंत्री को ठीक आमे भाबु नाउ कारण क्षमता आसीबो जीव निरंतर के 5 थर 3 थर 4 थर 6 थर क्षमता रही जाई पारंती किंतु गोटे निर्मल भावमूर्ति एवं सचोटतार सहित जो लोक माने आज सारा राज्य रे लोक माने सोई पारु नांती ममिता मेयर प्रसंग एवं महांगार डबल मर्डर जो केस थी ताकू नहीं कि कोर्ट रो टिप्पणी परे मध्य मंत्री बेलज्जा भाव रे मंत्री इस्तफा दौना कि मुख्यमंत्री बरखास्त करने
କୋଉ କାରଣରୁ ସଂସାସ ପାଉ ନାହିଁ ତାହା ଆଜି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରଖାସ୍ତ କଣ କରିବେ ନିଜ ପାଖରେ ବସାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ନିଜ ପାଖରେ ବସାଉଛନ୍ତି, ଉଦ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉ ନାହିଁ। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆଗରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ କାହିଁକି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି ଏ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଯେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଉ ମଳିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଳିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନୁହନ୍ତି, ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଭାର ଚଳାଇବାର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ, 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ଭାବ ଯଦି ଖରାପ ହବ, ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂମିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 4.49 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ବୈଠକରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ନ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଭଲ ସନ୍ଦେଶ ଯିବ। ଏବଂ ଆଶା କରିବୁ ଯେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କଥାରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇକି ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଲୋଡ଼ିବେ, ତାହା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ହେବ। ଏହା ପଛରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନେତାଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ କଥାରେ ପଡ଼ି ଆଜି ଏଭଳି ବାଟବଣା ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିପି ହୁଏତ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ବି ଫର୍ ବବି ଆଣ୍ଡ ପି ଫର୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଳିନ ପକାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାରେ, ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ସେଭଳି ଆଉ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ସେଭଳି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପାଖରେ ବସାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦାଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ବସାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କୋଟି ନା କୋଟି ଏ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ପଦ୍ମାଙ୍କର ଗୁରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ, କିଛି ମାସ ହେବ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି ଏଠାରେ। ଗତକାଲି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନିକଟରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ ପଶିଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ ପଟେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ। କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡରେ 26ଟି ହାତୀ ରହି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛନ୍ତି। ଦିନବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଧାନ ଫସଲ ଖାଇବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ରିପୋର୍ଟର ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁସାର, ଏ ଘଟଣା କେତେବେଳେ ଥିଲା ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହବ 26ଟି ହାତୀ କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାତ ମତେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାନ ଫସଲ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିନବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଲଉଛନ୍ତି। କାଲି ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ରାଜରାସ୍ତାରେ 49 ଆମ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହାତୀ ପଲ ଉତ୍ପାତ ମଚାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟ ଛଡ଼ା ହେଇକି ଗୋଟେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ତାଟି କିଣିକିରି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତଥାପି ସଫଳ ହେଇପାରୁନି ମାଧୁରୀ। ଓକେ, କୋଟି ନା କୋଟି ବନ ବିଭାଗର ବିଫଳତା ବୋଲି ଆମେ କହିବା? ହଁ ମାଧୁରୀ, ବନ ବିଭାଗର ବିଫଳତା ଏଇଥିପାଇଁ କହିବା, ବନ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଛନ୍ତି, ହଉ କି ତାଙ୍କର ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ହଉ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ନେଇକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନାକଟି ଦେଉଳ ଗଡ଼ତିଆ ସାହି ରାସ୍ତା ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ, କଂକ୍ରିଟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ 500 ମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି।
कार्य तदारख दायित्व कनिष्ठ जंत्री कहते तेज सूचना फलक न थी कार्य कर देखा मिली पूर्व रास्तार कार्यर पिचु एवं मेटाल गुड़िक न उठाई तापर बाली पकाई कम सीमेंट्रे कार्य कर ग्रामवासी अभियोग कर आम कहलुँ जे नुआ आसी काम जितने नुआ भल से कर आम गाँ काम है लेकिन हमने कण कर गेटी पहला जेन पिचु जेन पड़ी जाए से पिचुके इंचरे दीजन आउ तार ऊपर बाली ये कर देना कंक्रीट डाल बुझ बाली फास्ट दिन जेन मोर भी डिस्कस चली गला मुझे कहली छटा लेखा कहीं बाली देव तुम तो बाली कम करवा कथा ये बाली दे काम मजबूत होगा कहीं तथापि तो मन को कहली तुम इंस्ट्रूमेंट देख जदि काम जेन काम करू जो असुविधा कले रास्ता डाक होउजि जे माने बोल से हवा दरकार ए कंक्रीट रास्ता बोले एटा माटी जहाँ सब पड़ी जेटा बाली पकई देवे कि बेस दिन लास्टिंग जीव नहीं रास्ता बोले एटाक सब फोपाड़ीना नुआ रास्ता आने सब मेटाल रू बाली सब नुआ पड़ी जीवाटा दरकार विवाह तारीख ठीक है कार्ड बंता है किंतु बाहाघर दिन आसलानी पर प्रतिपात्रे भाभी स्वामी घर आगे नववधु बेसरे धारणा देले कन्या एभली घटना घटी ब्रह्मपुर ब्रह्मानगर द्वितीय लाइन रे पूर्वर ए दुहिंकर कोर्टे विवाह होता सोमवार रोशनी धरी बर जाता बोहू घर को हेले पु न आसवर युवती जनक बोहू बेसरे आसी बर आगे घर आगे धारणा देखते से साथी रे शुभ शंख नहीं आसी अभिन्न प्रकार रे धारणा देखते युवती जनक चाहिए भी मो कोड़ी जाई परबिनी जहाँ मो सत हो गला भगवान को देखे को झील सत एम न हो आज्ञा कहीं ना जहाँ तो कले कले जहाँ कर भी दे सब सही फिर भी मिछ कहीकि कहले कौन ना कि 22 तारीख दिन बाहर करदे एते करदे सीते करदे मो बाबा बुझीपारे विश्वास कले तो बेल तो मतलब बहुत टर्चर करते आज्ञा ये ऊपर घर गोटे हस्टेल था स्टोर रूम टाइप रही मतलब रखती चाबी पकड़ आग आड़े चाकर सहित खावा दिं मो हस्बैंड चाहिए भी मतलब मिसई दिं उल्टा घर समस्त सब कम करती उठस्तरी मसीह श्रीमंदिर रत्न भंडारर उभय भितर और बाहर भंडारे समस्त रत्न अलंकार तालिका प्रस्तुत होता 1978 मे मस 13 जुलाई 23 पर्यंत दुई मस 10 दिन धरी तालिका प्रस्तुत करा जायतिला एहि तालिकार एक नकल श्रीमंदिर प्रशासन तरफ राज्य आईन विभाग को दि जायतिला जहाँ सूचाऊ श्रीमंदिर रत्न भंडारे तीन प्रकार रत्न अलंकार रही था एवं आम आपको देखाइबु से ही तालिकार एक्सक्लूसीव नकल एवं नजर पकाइबा अव्यवहृत होइतिबा रत्न अलंकार तालिका पर प्रथम रिपोर्ट रे श्रीमंदिर भितर रत्न भंडारे 367 प्रकार सुना अलंकार थिला जहार ओजन 4364 भरी 231 प्रकार रूपा अलंकार थिला जहार ओजन हेउछि 14878 भरी 6 अणा द्वितीय कैटेगरी रे बाहर भंडारे रखा जाउतिबा सुना रूपा एवं रत्न अलंकार संपर्क रे तथ्य रहिछि जहाँ ताहा केवल ठाकुर पर्वपर्वाणी बाहर को पढ़ा जाए बाहर भंडारे 79 प्रकार सुना अलंकार रखा जाता जहाँ ओजन 8175 भरी 4 अणा 39 प्रकार रूपा अलंकार और सामग्री थी जहाँ ओजन 4671 भरी 2 अणा तृतीय कैटेगरी में ठाकुर नियमित व्यवहार में लगि अलंकार रही एसबू रत्न अलंकार चलती भंडार घरे रखा जाए चलती भंडार घरे 8 प्रकार सुना रही जहाँ ओजन 299 भरी 1 अणा से 2603 भरी 8 अणार रूपा अलंकार रही नजर पकाइबा 1978 मसीह सुना अलंकार गणति को नहीं प्रस्तुत होता तालिका पर तीन कैटेगरी सुना मिसाइले 454 प्रकार सुना रही जहाँ ओजन हो 12838 भरी 4 अणा 293 प्रकार रूपा रही जहाँ ओजन 22153 भरी यह व्यतीत 14 सुना रूपा जिनस विभिन्न कारण ओजन हो पार नथिबारो सुना अलंकार रे तालिका रे अंतर्भुक्त हो पार
बरगढ़ अतिरिक्त जिला शिशु प्रकल्प अधिकारी घरे भिजिलांस रेड आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग बरगढ़ अतिरिक्त जिला शिशु प्रकल्प अधिकारी घरे चढ़ाओ बरपाली स्थित बासभवन और बरगढ़ अफिस संबलपुर और बरगढ़ भिजिलांस टीम पक्षर चढ़ाऊ कर भिजिलांस जाल में फसी बरगढ़ अतिरिक्त जिला शिशु प्रकल्प अधिकारी चंद्रा साहू चंद्रा साहू बरपाली शांतिनगरपड़ा स्थित बासभवन व बरगढ़ ऑफिस रे विजिलेंस पक्षरो एक कालीन चढ़ाव करा जाय छे पानी पाई गरा बाल्टी थरी पूर्त विभाग रास्तारे बसिले महिला ढेंकानाल जिला परचंक ब्लॉक कुमुसी पंचायत महुला छक निकट रे रास्ता रोक दीर्घ दिन धरी साहिरे पानी जल समस्या थिबा बळे प्रशासन कोनोसे समाधान करू नाही फळरे आज शताधिक महिला धारणा देछन्ते दुई घंटा थरी रास्ता रोक करथिले मध्य कोनोसी प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल रे पहुंची रथिवा बळे दाबी पूर्ण न हेबा पर्यंत रास्ता रोक करबाकु सेमाने चेतावनी देछन्ते राज्य सरकार पाई श्रेष्ठ कृषि क्रमण पुरस्कार हेले चाषी सरकार केते तत्पर तार बास्तव चित्र देखा मिली भद्रक जिला चांदपाली ब्लॉक माधोपुर पंचायत चाषी प्रतिवर्ष निजर पाचिला धान क्षेत्र को सुरक्षा पाई दुईट ज्वर को राति दिन उजागर हो बंध बांधि था माधोपुर पंचायत सालंदी नदी शाखा ज्वर बेंटुआ व नुआ नई ज्वर उपर स्विस गेट निर्माण पर बहुबार चाषी जनप्रतिनिधि दृष्टि आकर्षण करी से सब जमी फसर फाटी देखा रिपोर्ट वर्षा देगला दुख पानी रे भासुची सुनार फसल अदिनिया बर्षे फसल नष्ट जमि फुटे दुई फुट उच्चर पानी जमी पानी उपरे सोई जाई धान गछ अमल बेलकु बिगाड़ी देला अदिनिया बर्षा ए दृश्य हेउची भद्रक जिला बासुदेवपुर ब्लॉक रो पानी रे बुड़ी रही एक एकर धान चाष सरकारी सहायता को अपेक्षा करिछंती चासी लगाण बर्षा तो सब लघुचाप बर्षा धान सब पटापुण सी सब गजाई गला चलू सरकार गवर्नमेंट ना सोसाइटी लोन कर लोन दमु कमी आई अवस्था मुझे जड़े पेसेंट लोक मोर अवस्था देख मोर पाइप लगी कौटी आने की छुआ संभाल कौन लोन सुझी कौते चाहते सरकार जब किसी साय कर अवश्य उधार उधर जातु बर्षा बर्षा पवन हाल्का पवन होकर धान जहाँ कि जो सुईगला चटापट होती बड़े सारे गजा होती गजा होगा जो चाषी जो अंटा भांगी तार मानने जो सुध करी लोन करके आणिकी सोसाइटर लोन गाँवली लोन आमर सुधिया लोक सुध आणिक जो करते चाष दु पैसा लाभ करने से तो आई पार्लानी सारे चकड़ा पका पर जो बर्षार जो पूरा सुईगला चटापट तापर तो हूँ गजा होकर धान नष्ट सब तो सार गलापर जहाँ कि बर्तमान पिस्थित उपजी जे कि आम गोटे वर्ष पर चल कमी उठा जल सेचन और केनाल द्वारा चाषी को पा जा कथा सरकार कहता बेले बहु चाषी एवं बर्षा उपर निर्भर करषी ठीक अमल समय अदिनिया बर्षा सबकि उजाड़ी बासुदेवपुर ब्लॉक रे खरीफ ऋतु रे मोट 33,935 हेक्टर चाष जमी मध्यरु 32,239 हेक्टर धान चाष करा जायछि बात्या परे परे चासी अंटा सळखी ठियाबा पूर्वरु पुणी अदिनिया वर्षा चासी को मेरुदंड भांगी देछि अन्य पटरे चकड़ा पोको कुने चासी को चिंता घारिछि चासी बारंबार कृषि कार्यालय पाखरु सरकारी डीलरंक पाखरु फेरुछंती हेले तांकु एथिपाई विष जोगाई दिया जाउनथिबा अभिजोग करिछंती ए संपर्करे कृषि अधिकारीकु पचारिबारु चासींकु सब्सिडी आकाररे विष जोगाई दिया जाउथिबा कहिछंती
ଚାଷର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପରେ ବାତ୍ୟା ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଲଘୁଚାପ, ତାପରେ ଲଘୁଚାପ ପରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ସଳଖିକି କମ୍ବର ଠିଆ ହେଇକି କରିଥିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ନାଗି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଧାନର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପାଣିର ପଡ଼ିକି ସବୁ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ବଞ୍ଚିମୁ କେମିତି? ଯଦି ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଯଦି ନ ମିଳେ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିମୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ବିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଏ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ର କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଟିକିଏ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ସେଇ ଇଏରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ କୃଷି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ସେଇ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୋକ ଲାଗିଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସେ ପରିବଟି କାଟିବେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଲର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଲର, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ସେଇ ବିଷ କ୍ରୟ କରିବେ। ତେବେ ଉଜୁଡ଼ା ଫସଲକୁ ଦେଖିବା ପରେ କେମିତି ବର୍ଷକର ଆହାର ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।